वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज दो पालियों में आयोजित की जा रही है। कोरोना महामारी के संक्रमण और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच परीक्षा के निर्बाध आयोजन के लिए प्रदेश भर में स्थापित 4,265 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में करीब 21,65,179 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पहली पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, जिसमें प्रारंभिक स्तर की परीक्षा में 12,91,627 परीक्षार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इसी के साथ दूसरी पाली की बात करें तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे ये परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 8,73,552 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सहारनपुर में यूपी टीट की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सहारनपुर में 34 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 32,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर कोविड डेस्क बनाई गई है, जिसमें थर्मल स्कैनिंग होगी, साथ ही ऑक्सीमीटर से जांच करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में सभी केंद्र पर 2 पर्यवेक्षक और 1 स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया है। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की अगर हम बात की जाए तो प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक रहेगी और उसके बाद 2:30 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली रहेगी, जिसमें अभ्यर्थी अपनी परीक्षाएं देंगे। कैमरा पर्सन अपने सहयोग के साथ में योगेश आर्य, जनतंत्र टीवी सहारनपुर। 28 नवंबर में जो टेट पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद सरकार ने आज 23 जनवरी में टेट का पेपर घोषित किया है। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के इस्लामिया सेंटर पर, जहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो टाइम था उससे आधे घंटे पहले स्कूल वालों ने जो है अपना गेट बंद कर लिया था। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कत उन्हें यहाँ पे सामना करनी पड़ रही है। आपका नाम? मेरा नाम पपिन कुमार है। पपिन जी कहाँ से आए हैं? मैं बघरा के पास अलीपुर खुड़गांव से आया हूँ। किस तरह की दिक्कत? आज यूपी टेट का एग्जाम था, इन्होंने 9:20 पर गेट बंद कर लिया और मैं 9:28 पर आया, लेकिन इन्होंने मेरे पीछे जो लड़का खड़ा था उसको तो एंट्री दे दी, हमको नहीं दी। और दूसरी बात ये देख लो, गाड़ी खड़ी है संचालित स्थल की, इसको भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये 100 की सैकड़ों की संख्या में बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन किसी बच्चे को एंट्री नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, ये गलत बात है इनकी। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्हें पेपर देने में, जब पिछली बार कैंसिल हो गया था, जब भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जो आज पेपर है उसमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? सर आयशा। सर ये पेपर ही नहीं देने दे रहे, गेट बंद कर दिया है। आदर्श कॉलोनी से। आदर्श कॉलोनी से। किस तरह की, पिछली बार पेपर कैंसिल हो गया था और आज पेपर है, गेट, किस तरह की दिक्कतों का आपका दोबारा सामना करना? सर सारे बच्चे दूर दूर से आए हैं, अभी इन्होंने 9:32 पे ही क्लोज कर दिया है गेट पूरा। लेकिन क्या टाइम होता है पेपर बंद कर? सर वैसे टाइम तो 30 होता है, पर इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो देना चाहिए था ना हम लोगों को, इन्होंने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? अरे सर देख लो, जैसे कि पिछली बार पेपर कैंसिल हो गया था, वायरल हो गया था, लेकिन अब पेपर देने नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप सरकार से अपील करते हैं कि? सर अब तो यही अपील है कि हमें ये वाला पेपर दे दिया जाए, क्योंकि हमारी तैयारी है बहुत पुरानी है और अंदर बुला दिया। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना। हम राघव जी ने जा रहे हैं। पेपर देना है? मैं सकुत्ती से आया हूं सर। सकुत्ती से आए हैं? बारिश का मौसम है, पिछली बार कैंसिल हो गया था जी सर। इस बार में बस पकड़ के कैसे तैसे आया हूँ, उसके बाद मुझे रिक्शा नहीं मिली। पहले कॉलेज का नहीं पता लगा कहाँ है कहाँ नहीं है, रिक्शा नहीं मिल पाई, बारिश इतनी हो रही थी। उसके बाद भी हम 9:32 से यहाँ पे खड़े हैं। सर किसी अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आ गया, हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारे मुजफ्फरनगर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, सीओ सिटी हैं, वे इस बात का निरीक्षण करने पहुँच चुके हैं, इस बच्चों से जानकारी ले रहे हैं और कि बच्चों किस तरह की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब 9:30 से 1 मिनट बाद जो स्टूडेंट्स आ रहा है उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं, जो पिछली बार पेपर वायरल हुआ था उसमें बच्चे कह रहे हैं कि उसमें हमारी क्या गलती थी, जब हमारा पेपर था कैंसिल हो गया तो उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम थी। हम सरकार से अपील करते हैं और जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि हमें पेपर देने जाने के लिए अंदर मौका दिया जाए। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी मुजफ्फरनगर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।